अभी तक जो सेलिब्रिटी फेस आपको अकोमोडेशन दे रहा है आराम से, इतने प्यार से, अच्छी फुली एयर कंडीशन ये जगह पे बिठा रखा है इतने गर्मी के टाइम में, काफी अच्छा है। आपको काफी अच्छा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है और मतलब बहुत कुछ प्रोवाइड भी हो रहा है हमको। इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस विद सेलिब्रिटी फेस। उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकता, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड यू नो सेलिब्रिटी फेस नंबर वन है, तो नंबर वन सारा काम होता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उनके लिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है और ब्लेस्ड हो फॉर द गुड। बहुत अच्छा शूट है हमारा सोफिया मैम के साथ। हम आ गए हैं, अब थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं कि यहाँ के एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पे सबको। सो मेरे साथ अभी कंटेस्टेंट है। हाय, व्हाट्स योर नेम? नीरज बंसल। शेगन। माय नेम इज जीविका शर्मा। माय नेम इज सात्विक। सोनाली। तो सात्विक, आपको सेलिब्रिटी फेस के साथ वर्क करके अभी फिलहाल कैसा लग रहा है? हाउ इज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकता, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत खुशी हो रही है, एक्साइटेड तो पूरी हूँ। और अभी शूट हो, अभी हमारा होने वाला है शूट, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत मज़ा आ रहा है और मतलब बहुत कुछ प्रोवाइड भी हो रहा है हमको। और मतलब बस बहुत सारे हमारे शूट्स वगैरह भी हुए हैं और बहुत मतलब मज़ा आ रहा है। और हम लोग बहुत मतलब बहुत बेसब्री से सोनाली का मैम मतलब सोफिया मैम का वेट कर रहे हैं। और मैं सेलिब्रिटी फेस में अराउंड 2019 से हूँ एंड इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस विद सेलिब्रिटी फेस। यहाँ का क्रू इतना अच्छा है, हर चीज़ प्रॉपर वे में होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हर तरीके के सेलिब्रिटीज से आप यहाँ पे आके मिल सकते हैं, ग्रीट कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं, फोटोशूट्स करवा सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ग्रेट एक्सपीरियंस है, न्यू फ्रेंड्स बने हैं और बहुत कुछ प्रोवाइड कर, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है और ब्लेस्ड हो फॉर द गुड। बहुत अच्छा शूट है हमारा सोफिया मैम के साथ। So, आप दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो सोफिया मैम के लिए? बहुत ज्यादा। ओके देन, स्टे ट्यून्ड विद अस। जैसे अपने इवेंट में आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें मिले हैं एडी सर। आइए एडी सर से पूछते हैं कि सर को अभी तक इस पूरा एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है, बताइए सर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है एंड यू नो सेलिब्रिटी फेस नंबर वन है, तो नंबर वन सारा काम होता है और नंबर वन ही रहेगा सर हमेशा। एग्जैक्टली, थैंक यू, थैंक यू। तो फाइनली इतने कंटेस्टेंट से मिलने के बाद अब हम कुछ पेरेंट्स से पूछते हैं कि उनको यहाँ पर कैसा लग रहा है। हेलो सर, आपका नेम क्या है? माईसेल्फ विनय। विनय सर, सर आप कहाँ से हैं? मैं तो एक्चुअली मैं दिल्ली से ही हूँ और मेरा कज़न ब्रदर है वो कानपुर से आए हैं यहाँ पे। तो बेसिकली आपके कज़न ब्रदर ने यहाँ पार्ट लिया है। यस। तो अभी तक का आपका सुबह से और जो भी अभी टाइम हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर? देखिए एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है और फिर देखा जाए तो ये आपका जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जिससे कि बच्चा हमारा ब्रदर हो या हमारा सन हो, कोई भी हो या डॉटर हो, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उनके लिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये शुरुआत है, स्टार्टिंग में अभी शुरुआत है। और मैं तो अपने बच्चों को यही सलाह देता हूँ कि बेटा ऑल वर्ल्ड इज़ प्रैक्टिकली एवरी डेज लर्निंग डे, रोज़ सीखने वाला होता है और आप लाइफ में बढ़ो। बच्चा जिस चीज़ में फोकस करता है, जिस चीज़ को डीप फोकस करके वो आगे बढ़ना चाहता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है उसको प्ले करके आगे बढ़ाते हैं, पुश करके। थैंक यू सो मच सर। तो आप सबने जैसा देखा कि सर ने इतनी अच्छी बात बोली कि हर रोज़ एक इंसान कुछ सीखता है, तो उसी को हम आगे देखते हुए चलते हैं हम किसी और के पास। स्टे ट्यून्ड। तो अब हम आए हैं हमारे नेक्स्ट पेरेंट के पास और इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा है। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या? मेरा नाम रश्मि शर्मा सर। रश्मि मैम, रश्मि मैम आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से। अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान। तो यहाँ पर आपका कौन है, बेटा बेटी? बेटी। बेटी है। हाँ जी। तो मैम अभी तक आप जब तक यहाँ बैठे हो तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस के बारे में तो बेटी बताएगी, मुझे क्या पता इस चीज़ के लिए, तो अच्छा। वो बाहर है, मैं थोड़ी। ओके, दैट्स अ वेरी नाइस आंसर। एंड अभी तक जो सेलिब्रिटी फेस आपको अकोमोडेशन दे रहा है, आराम से इतने प्यार से अच्छी फुली एयर कंडीशन ये जगह पे बिठा रखा है इतने गर्मी के टाइम में, काफ़ी अच्छा है। आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है? कम्फर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर फॉर द फीडबैक। स्टे ट्यून्ड। Rakesh, I'm the founder and CEO of Celebrity Face, and today we have very special guest. She's very hot, very bold, and trending on Instagram these days, and she's none other than Sofia Ansari, coming for the first time to Celebrity Face Delhi. हम यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं सेलिब्रिटी फेस दिल्ली में, लीमर एडियन में, और वो आ चुकी हैं, उनका करते हैं वेलकम। आप उनको देखिए, वो आ रही हैं। और आर यू गाइस एक्साइटेड टू मीट सोफिया? All these fans are very excited to meet Sofia and they are ready to make some fabulous reels, photo shoot and selfie pictures with Sofia. आ गई हैं वो, आइए वेलकम कराते हैं सोफिया का आपको Celebrity Face Delhi में। फर्स्ट टाइम Delhi में आई हैं, from all the way from Baroda to New Delhi, especially for Celebrity Face event, and she's here. लगती है पूरी बट बियर, चख लूं मैं तुझे थोड़ा डियर, ना 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 कर, तू मेरी जीनी वीजली, मैं तेरा हैरी पॉटर। लगती है पूरी बट बियर, चख लूं मैं तुझे थोड़ा डियर, ना 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 कर, तू मेरी जीनी वीजली, मैं तेरा हैरी पॉटर। लगती है पूरी बट बियर, चख लूं मैं तुझे थोड़ा डियर, ना 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 कर, tera Harry Potter. You wanna get to me, you gotta try harder. I am the bitch in tremendous desire for everybody. Play the beats, cause I'm in the mood to shake my body. They call me a bitch, cause they're never gonna read. I'm not the type of chick who make your money. Yes, I'm out of reach, yeah, sick as a freak. Oh,
Hi everyone, this is Rakesh. I'm the founder and CEO of Celebrity Face India. And today we have one of the top leading real star, Sofia Ansari, all the way from Baroda to New Delhi for the fans meet and greet and exclusive photo shoot with them. So Sofia, ye bataiye, Celebrity Face mein first time aapke yahan pe aake kaisa laga? The experience was really amazing. मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पहली बार अपने फैंस से मिल रही हूँ. So पहली बार मिलना, थोड़ा नर्वसनेस था, थोड़ा डर भी लग रहा था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड मुझे जितना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लोग मुझे इतना चाहेंगे और ऐसे सरप्राइजेस देंगे, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा. ये बताइए, उनके साथ रील्स बना के आपको कैसा लगा? बिकॉज टिल नाउ आप अपनी सोलो रील्स डेली डालती हैं अपने इंस्टाग्राम में, बट आज आप उनके साथ ड्यूएट्स कर रहे हैं, साथ में बना रहे हैं, तो कैसा फीलिंग था वो फर्स्ट टाइम अपने फैंस के साथ? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो लोग के चेहरे पे जो रौनक आ रही थी मेरे साथ रील्स बनाने में, द वे दे आर एक्साइटेड विद मी, दैट वाज नाइस. आपके बहुत छोटे छोटे फैंस भी आए थे, लाइक 4 साल के, 5 साल के फैंस भी आए, उन्होंने आपके साथ रील्स बनाए, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? आपने सोचा कि 5 साल के फैंस भी आपके मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी फैंस होंगे, लेकिन मुझे ये जान के भी बहुत अच्छा लगा कि न्यू जो क्या पता उनके फादर मे बी फादर आपके फैन हो और उस बहाने आ गए मिलने, मे बी हो सकता है. ओके, हो सकता है, बट दे आर क्यूट. ओके सोफिया, ये बताइए आपका कौन फेवरेट कंटेंट क्रिएटर? बिकॉज वी आर सीइंग आप डे बाय डे बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं इंस्टाग्राम में. जब भी हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं आपकी वीडियोस दिखते हैं, तो आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है या आपके टॉप लिस्ट में कौन आता है जिसको आप पहले से देखती आ रही हो कि बहुत अच्छा बनाते हैं कंटेंट, either इंडियन या बाहर? आई थिंक मेरा टॉप लिस्ट में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा जो कंटेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट है, किसी और का वैसा नहीं होता. सो इसलिए मुझे अगर देखा जाए तो मुझे ट्रांजिशन ज़्यादा अच्छे लगते हैं. तो हाँ, जैसे कृष्णा हो गया, उसके ट्रांजिशन बहुत अच्छे होते हैं, सो मुझे उनका वीडियो अच्छा लगता है. और ये बताइए, बहुत सारे फैंस नहीं आ पाए ड्यू टू कोविड, ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट इवेंट भी सेलिब्रिटी फेस के साथ बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगी, कैसे मिल सकते हैं वो आपसे सेलिब्रिटी फेस में? वैसे अगर आप नहीं मिलोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी इवेंट हो प्लीज़ आप आइए. एंड यहाँ पे बहुत अच्छे से सेफ्टी और प्रिकॉशंस लिया गया है, एंड वी आर ऑल सेफ, सो प्लीज़ मिलने आइए. और दिल वालों के दिल्ली में आपको कैसा लगा? पहली बार दिल्ली आई, पहले भी आ चुकी हैं यहाँ पे? एक बार आ चुकी हूँ, एक दो बार पर प्रोजेक्ट्स के लिए आई हूँ, पर पहली बार मीट और ग्रीट है था मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड दिल वालों की दिल्ली है, सही में सबने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया है. थैंक यू सो मच सोफिया, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वेंचर एंड नेक्स्ट सेलिब्रिटी फेस इवेंट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू बाय. हे एवरीवन, दिस साइड राकेश, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलिब्रिटी फेस. एंड जैसे कि आपने आज के वीडियो में देखा, ओवरऑल कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस सेलिब्रिटी फेस का, जो कि फैंस आए थे पूरे इंडिया से अपने फेवरेट रील स्टार से मिलने, जो कि हैं सोफिया अंसारी. फर्स्ट टाइम वो सेलिब्रिटी फेस में आई और ऑब्वियसली उनके जो फैंस हैं इतने एक्साइटेड थे, उनके साथ सेल्फीज ली, रील्स बनाए, फोटोशूट किया, और इवन सोफिया को भी बहुत मज़ा आया बिकॉज फर्स्ट टाइम वो आई हैं यहाँ पे अपने फैंस से मिलने के लिए. टिल नाउ वो सिर्फ डेली कंटेंट डालती हैं अपने इंस्टाग्राम में और वायरल होते हैं, हर दिन उनके वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं. आज उन्होंने वही वायरल वीडियोज़ अपने फैंस के साथ बनाए हैं, नई चीज़ें की हैं, नए सॉन्ग पे नया कॉन्सेप्ट, जो कि आप सभी ने देखा है. जितने भी फैंस आज नहीं आ पाए हैं, मिस कर गए इवेंट ड्यू टू कोविड और ड्यू टू एनी इश्यूज, नेक्स्ट टाइम सेलिब्रिटी फेस का इवेंट है 29 अगस्त को न्यू दिल्ली में. ऑल ऑफ यू दोज हू हैव मिस्ड द इवेंट, यू कैन अप्लाई नाउ. नीचे दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजो, नेम, एज, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर विद 3 पिक्चर्स, एंड माई टीम विल गेट इन टच विद यू फॉर द नेक्स्ट इवेंट. सिंपल सी चीज़ यार, अगर जो आगे बढ़ना है उठो, रील्स बनाओ, कंटेंट क्रिएट करो और सेलिब्रिटी के साथ वायरल हो जाओ. क्या पता देखते देखते आपके वीडियोस वायरल हो जाए, आप भी सोफिया की तरह 3 साल 4 साल, जैसे कि सोफिया 5 साल के अंदर अंदर बहुत ऊपर उठ गई हैं, सिमिलरली क्या पता आप 6 महीने 1 साल के अंदर उठ जाओ. सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप लाइकिंग सेलिब्रिटी फेस. थैंक यू, बाय.